हे गाइस, मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 7। जैसे हम लोग पिछले कई वीडियो में प्रॉपर कैरेक्टर्स खत्म किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आपने काफ़ी लाइक्स कमेंट्स के, मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे मैं प्यार चाहता हूँ बना रहे। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7U और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक को। ये जो 7U है ये एक नई चीज़ हो गया, बिल्कुल जैसे पीछे पढ़ के आए उससे काफ़ी अलग है, लेकिन जो बेसिक है ना, जो बेस कॉन्सेप्ट है वो हर चीज़ चलेगा। तो वैसे इस बार भी जो कॉन्सेप्ट है ना समागम का वही चलना, लेकिन एक नई चीज़ आएगी यहाँ पे, लिमिटेशन का यूज़ करना, लिमिट लगानी कहाँ पे क्या वैल्यू देखे। तो देखते हैं पहला सवाल कैसे करना। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x^5 dx और लिमिट देगी 1 to 2। यहाँ पे लोग लगाएंगे फॉर्मूला x^n का क्या होता है, dx की x^n+1/n+1 होता है प्लस सी, ठीक। लेकिन यहाँ पर लिमिट लगी 1 to 2, तो उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग ऐसे ही खोलने से किया। तो x^5+1 यानी कितना हो जाएगा 6, अपॉन में भी कितना आएगा 6 आ जाएगा, लिमिट कितनी लगाएंगे यहाँ तो 1 to 2। लेकिन आप प्लस सी का यूज़ नहीं करेंगे, तब यूज़ करते समय लिमिट नहीं दिखेगा, लिमिट दी गई तो प्लस सी का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पर 1/6 बाहर कर देंगे, x^6 बचा अंदर और लिमिट जो 1 to 2 चल रही तो चलती रहेगी यहाँ पर इस फॉर्म पर। अब यहाँ जो ऊपर वाली 2^6 - 1/6 हो जाएगा 1.6। 2^6 कितना आ जाएगा पता ही सबको, 2 × 6 बार करेंगे तो 3 × 3 = 6 हो गया, 2 × 4 = 8 × 16 × 32 × 64, 1^6 होता है, घटा देंगे कितना बचेगा 63, तो आ जाएगा 63। अब देखो ये कट जाए, 3 × 6 = 21, नहीं जो हमें आंसर मिलेगा मिलेगा 21/2 आ जाएगा, प्लस सॉरी प्लस का ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इंटीग्रेशन dx/√x, जो लिमिट देगी 1 to 4 देगी, तो हम लोग को पहला काम क्या करना पड़ेगा, जो रूट है इसका पता है कि रूट का मतलब क्या होता है, x^2 कितनी बन जाएगी 1/2, इस 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगी x^-1/2 dx, राइट। अब हमें समागम का नियम पता है, जैसे हम लोग x^n लगाए तो वैसे हम लगाएंगे x^n वाला फॉर्मूला, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे और नीचे भी 1 जोड़ देंगे, सेम काम करना, जो लिमिट है वो ब्रैकेट के फॉर्म पे ऐसे लिख दी जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 1 = 2, प्लस का 2 − 1 कितना बचेगा 1/2 बचेगा, नीचे भी 1/2 बचेगा। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 1/2 है, ये पलट जाएगा, क्योंकि देखो देखा था ना पहला पार्ट, अगर इसको ऐसे लिख देंगे 1/2, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड वाला पार्ट पलट जाए तो ये बन जाएगा 2/1 बाहर आ जाएगा और अंदर जो x^1/2 जो था वो रहेगा ही, लिमिटेशन 1 to 4 चली रही थी। तो 2 है 1 का मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे x है, x क्या रखेंगे यहाँ पर 4 × 1/2 − 1/2 हो जाएगा। तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 × 2 = 1/2, तो 1 का कुछ भी करो स्क्वायर क्यूब 1/2 / 1/3 एटलीस्ट कितना 1 ही मिलता है हम लोग को, तो कोई मतलब नहीं इसमें। यहाँ इस पावर से काट दिया तो मतलब 2^1 - 1, तो आएगा यहाँ पे 2 − 1, तो 2 में 1 आंसर आ गया 2। क्वेश्चन थर्ड है इंटीग्रेशन dx/√x, ये रूट क्या है, घनमूल है, क्यूब बोलेंगे इसे, बोलेंगे क्यूब रूट, क्यूब रूट हमें दिया गया है, जो लिमिटेशन 1 to 4 है, तो क्यूब रूट का मतलब कितना होता है, ऐसे रूट का मतलब 1/2 होता है, ऐसे क्यूब रूट का मतलब होता है x^1/3 आ जाएगा, वहाँ 1/2 आया था। इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा −1/3 dx हो जाएगा, तो −1/3 वही सब कॉन्सेप्ट बनेगा, क्या करें 1 जोड़ देंगे 1/3 + 1/−1/3 + 1, यहाँ पे 1 to 4 हो जाएगा। एक चीज़ आपको बताएं, ऐसे आप लोग पहली बार जो आ रहे हैं अभी तक नहीं देखा, तो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपका ना 7A 7B कभी काफ़ी हद तक रिवाइज हो जाएगा। अगर आप 7A नहीं देखो तो एक बार देख लोगे और इसको देख लोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा, कि दोनों काफ़ी तक सेम मैच करते हैं। जो एक्सरसाइज है ना, यानी 7U जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, ये स्टार्टिंग बेसिक चल रहा है, ये पूरा मिक्स करते, जितना अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है, हाँ डब्ल्यू हमने यू तो जितना टी तक पढ़ा हुआ है, टी तक पूरा पूरा मैच करेगा। काफ़ी सब सवाल वही होंगे, बस यहाँ नई चीज़ क्या आ रही है, लिमिट का यूज़ करना है, बाकी कोई चीज़ नई नहीं आई है। तो सर मैं क्या कहें यहाँ पर उन्होंने, तो 1 जोड़ दिया तो क्या करें, 3 × 3 + 3 − 1, तो कितना है एक्स का, जो देखो साइड में रहते कई लोगों समझ में आ रहा क्या करें, 3 × 3 यहाँ प्लस 3 हो गया, −1 आगे चल रहा था 3, तो क्या बचा 2/3, तो इसलिए लिखते हैं 2/3, नीचे भी आएगा 2/3, 1 to 4 चलता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 2/3 प्लस क्या बन जाएगा 3/2, एक्स की पावर 2/3 था 1 to 4, अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे जो वैल्यू दी गई हम लोग को, तो एक्स की क्या रखेंगे 4 × 2/3 - यहाँ रखेंगे 1 और इसके बाद 2/3 आ जाएगा, 3/2 4 को ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है दोनों, अब यहाँ थोड़ा सा ढंग से करना पड़ेगा। देखो 4 है तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक, ये 3 का मतलब होता है क्यूब, 4 है तो 4 का हमने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि कटेगा नहीं, अगर मैं मान लो तुम 2^2 बना भी लोगे तो क्या कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसलिए इसको मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ कि कहाँ तक कर सकते हैं। तो 1 का कुछ भी बन ही आएगा, ये तो सॉल्व हो गया, ये घनमूल का निशान चल रहा है, चलने दो, चाहो तो इसे 1/3 ले सकते हो। अब 4 है, इसको हम लोग पूरा ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा 4 × 4, ठीक, साइड्स में ना, या फिर कह सकते हैं सीधे 16।
माइनस वन। अब देखो यहाँ पे 3/2 है और यहाँ 16 है, तो 16 को लिख सकते हैं कितना, 16 का लासा लोगे तो मिलेगा 2 8 16, 2 6 8, 2 2 4, 2 1 2 जोड़े बनाए किसके, 3 की कितनी कितनी घात दी गई, 3, इसका मतलब घनमूल 3 के जोड़े बनाने पड़े, तो ये 3 बने जोड़ा, तो ये 2 आ जाएगा बाहर, लेकिन 1 2 बचेगा उसको रख देंगे अंदर, इस घनमूल को ऐसे रख देंगे, ठीक है, माइनस 1 चलता रहेगा। अब इसमें गुणा कर सकते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर 3/2 × 2 घनमूल को हम लोग लिख सकते हैं पावर के फॉर्म पे, कैसे, 2^1/3 माइनस 1, ये चलता रहेगा, लेकिन अब ये गुणा इसमें हुआ है तो इसमें भी होगा, तो यहाँ क्या आएगा 3/2, ये भी आएगा, तो यहाँ देखो 2 2 कट जाएगा, 3 2^1/3 −3/2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4th है, इंटीग्रेशन 0 to इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिमिट है 0 to π/2 दी गई है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, तुम्हें पता है कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते, ना ही कोई फॉर्मूला होता है, इसको चेंज करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है, चूंकि एक फॉर्मूला होता है कॉस 2a/, यहाँ पर हम एक्स लिख लेते हैं तो आसान रहेगा मैच करना, 2 cos² x − 1, तो देखो ध्यान से हमें कॉस स्क्वायर एक्स मैच कर रहा है, यहाँ मैच कर रहा है, तो इस माइनस वन को इधर लेके आए, तो कॉस 2x − 1 इधर आएगा, बन जाएगा +1 2 cos² x, बचा 2 कहाँ जाएगा बटे, तो कॉस 2x + 1/2 ये मिलेगा हम लोग cos² x, ये वैल्यू को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो 0 to π/2 और cos² x क्या आ जाएगा, cos² x + 1/2 हो गया, और बाहर dx चल रहा है, तो ये 2 कांस्टेंट है बाहर कर लो, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करना पड़ेगा, 0 to π/2 बचा, cos² x था +1, अब ये 2 अलग है, इससे करने पड़ेंगे कि अलग बीच में प्लस लग गया, तो 1/2 पूरे में चल रहा था, तो दोनों में चलेगा, तो 1/2 cos² x dx, ठीक है, और जो लिमिट तो चले वो चलती रहेगी यहाँ पर, π/2 + 1/2 1 dx 0 to π/2, ठीक है। अब जब cos 2x करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, 2x है, cos x तो है नहीं, तो cos x जो sin x चेंज करेंगे, तो हमें पता है कि कई बार पीछे पढ़ भी चुके हैं कि 2x क्रिएट करेंगे t क्या मिलेगा, x dx / dt, लेकिन जो 2 है वो कहाँ आ जाएगा, अपॉन में, यानी जहाँ यहाँ वैल्यू वहाँ क्या पुट करेंगे 1/2, तो पहले से 1/2 बाहर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग cos x है, यहाँ पर हम लोग इसको क्या मान चुके हैं टी, तो यहाँ आ जाएगा कॉस टी और ये बन जाएगा डी टी +1/2, यहाँ पे बन का आया था एक्स, तो यहाँ तो वैल्यू भाई आ गई, इतना काम इसका हो गया। इधर वाले में क्या करेंगे हम लोग, 1/4 है, लिमिट अभी चल रही है, इसको चेंज किया ना, एक चेंज करने का मेथड होता है, अभी हम लोग आगे कुछ सवालों के बाद पढ़ेंगे कि हम जो लिमिट है ना ये चेंज भी कर लेते हैं, अगर टी माना तो टी के फॉर्म में चेंज करेंगे, जो भी माने उस फॉर्म पर उसको चेंज करके हटाना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग लिमिट चेंज नहीं की, सिर्फ इसको माना है, इसको वापस हटा देंगे, तो कॉस टी है, तो कॉस टी का अवकलन क्या होता है, साइन टी होता है, तो यहाँ साइन टी आ जाएगा +1/2 x 0 to π/2 चल रहा है, तो साइन टी हो गया। अब वापस हम टी का मान रखें, टी किसको माना था, 2x को माना था, तो जहाँ पे टी है वहाँ क्या रखेंगे, 2x + 1/2, और यहाँ लिमिट चल रही तो उसको लिखना भूल गए हैं, ये लिखना पड़ेगा हम लोग को ऐसे, यहाँ भी x का 0 to π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, 1/4 बार चलता रहेगा, पहले क्या रखेंगे साइन 2x का रखेंगे π/2 −sin 2 × 0 +1/2 x समान π/2 −0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, तो 1/4 साइन पाई, साइन पर मतलब sin 180, साइन 180 को हम लिख सकते हैं 90 + 90, ठीक है, साइन 90 + 90 बन गया cos 90, यानी sin 90 + 90 क्या हो गया cos 90, cos 90 को कितनी होती है 0, तो इसका मान कितना आया 0 −2 × 0 0 बन गया, तो साइन 0 फिर बन जाएगा 0 × 1 0, तो ये पार्ट तो खत्म हो गया। 1/2 यहाँ π/2 है और यहाँ 0 0 का मतलब ही नहीं, उसको हटाए दो फिर, तो यहाँ तो पूरा 0 बन गया, यहाँ बन गया π/4, तो आंसर मिला π/4। क्वेश्चन 5वां, इंटीग्रेशन dx/x, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये 2 टू लिमिट दी गई, 2 to 3 दी गई है, तो 1/x इसको लेकर थोड़ा सा अलग करें, या फिर आपको जानते हो फॉर्मूला बता देते हैं, अच्छा, क्योंकि 1/x dx बराबर फॉर्मूला होता है log x, जहाँ 1/x सेम चीज़ यही बन रही है, चाहे तो उसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही होती, किसका बन गया log x, तो यहाँ रख देंगे हम log x रख देंगे, तो आएगा log x आ जाएगा इसकी जगह पूरे पे, और जो लिमिट्स थी उसको हम ब्रैकेट फॉर्म पर 2 और 3 लिख देंगे, 2 to 3 कर देंगे, तो log x है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा log, जहाँ x में क्या रखेंगे 3, की पहले ऊपर अलग ना होता, फिर माइनस लगा के log 2 रख देंगे। अब इसको पता है कि log के नियम पर लोग पीछे कैसे सवाल लगाए हैं कि माइनस अगर होता है तो उसको लिख सकते हैं log 3/2, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेशन 0 to π/4 sec² dx, ठीक है, तो sec² dx जो फॉर्मूला होता है किसका होता है 10x का, तो सीधे यहाँ पे 10x आ गया, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिया गया था, और लिमिट है 0 to π/4 दी गई, तो सीधे अप्लाई कर देंगे 10x, तो पहले ऊपर रखेंगे, यहाँ x में क्या रखेंगे π/4 माइनस
टेन जीरो, तो टेन पाई अपॉन फोर मतलब टेन पैंतालीस होता है, और टेन पैंतालीस मान के दो वन और टेन जीरो वन जीरो होता है, तो क्या आंसर आया जीरो की वन वन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स लिमिट जीरो टू पाई बाई टू दी गई, तो ये भी सिंपल सवाल है। साइन एक्स का आकलन क्या होता है, सॉरी समाकलन क्या होता है, कॉस एक्स, वो भी माइनस का माइनस लगा देंगे, लिमिट चाहे देखें जीरो टू पाई बाई टू, इसका मान रखें यहाँ पर, तो माइनस से देख याद रखो माइनस जब भी आना तो माइनस वाले को अंदर मत रखो, कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि एक माइनस और करेंगे माइनस आना प्लस फंस जाओगे, मिस्टेक होने के चांस पूरे पूरे बढ़ जाएंगे, तो उस माइनस से बचना है तो इस माइनस को पहले ही ब्रैकेट के लेके बाहर कर लो, तो गलती होने के चांस आप 100% कम कर लोगे, तो ऐसे कर लोगे। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस जहाँ एक्स में रखोगे पाई बाय टू माइनस कॉस जीरो, अब पाई बाय टू का मान सबको पता है ये कितना होता है, पाई का मान 180 होता है, 180 को हम दो से काटेंगे कितना आएगा 90, तो ये कॉस 90 बन गया, कॉस 90 का मान कितना होता है जीरो, कॉस जीरो का मान होता है वन, तो जीरो में वन जाए कितना बचेगा माइनस वन, तो ये माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस वन। क्वेश्चन में आठवां इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9dx, उसकी जो लिमिट देखिए 1 टू 2 दी गई है, तो कैसे करेंगे इसके, यहाँ 4x क्यूब है तो यहाँ पे देखो कई सारे पार्ट्स में, तो सबको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे और सबका अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 को बाहर किया लिमिट 1 टू 2, ये करने के रियल मेथड बता रहे हैं, इसको शॉर्ट में कर सकते हैं ठीक है, लेकिन शॉर्ट में करने का कोई मतलब नहीं है, आप माइनस से माइनस लगाया बाहर हुआ लिमिट 1 टू 3 दी गई थी 1 टू 2 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स था, ऐसे यहाँ भी 6 बाहर होगा लिमिट 1 टू 2 चलती रहेगी, एक्स डी एक्स हो गया प्लस 9 डी एक्स लिमिट 1 टू 2 चल रही थी, तो यहाँ पे 4 ऐसे रहेगा। अब पता है कि हम लोग एक्स क्यूब का समाकलन करेंगे क्या आएगा, एक्स पावर 4 अपॉन 4 1 टू 2 माइनस 5 एक्स स्क्वायर करें तो एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट है यहाँ पे 1 टू 2 प्लस 6 यहाँ एक्स से क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फिर 1 टू 2 प्लस यहाँ पे 9 का है तो 9x हो जाएगा और इसका आ जाएगा 1 टू सब लिमिट सेम चलेगी। देखो ऐसा करने से क्या होता है मिस्टेक नहीं होती, अगर एक साथ करते फिर वैल्यू पुट करोगे तो उसमें पक्का गलती करोगे, अब इतने क्योंकि आप लोग इतने फ्लो नहीं होता, आप लोग मिस्टेक का चांस ज़्यादा होता है, तो कोशिश करोगे हर स्टेप को प्रॉपर करो, जो सिस्टम बना हुआ अगर आप थोड़ा सा भी सिस्टम पर कन्फ्यूज ना होगा, सिस्टम की बात करें सवाल को सिस्टम करने का ना ये एक परफेक्ट तरीका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे आप 4 और जो आजकल वर्ड्स एक सिस्टम वर्ड चल रहा है कॉमन सा सिस्टम, तो वो सिस्टम से मतलब नहीं, इस सिस्टम को अलग रखेंगे। खैर सवाल वापस आते हैं, तो यहाँ पे देखो 4 है ठीक है बटे में, इस 4 को हम क्या कर सकते हैं बाहर, ये 4 है 4 बाहर चलो, तो ये अपॉन वाले बाहर आ जाएंगे ऐसे, और एक्स पावर 4 यहाँ 1 टू 2 माइनस 5 अपॉन 3 एक्स क्यूब 1 टू 2 प्लस 6 अपॉन 2 ये सब नीचे वाले बाहर आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर 1 टू 2 यहाँ 9 बाहर हो जाएगा x और 1 टू 2 सब जगह वही सेम आ गया, तो भैया 4 कट रहा है बाकी तो कट नहीं रहा, यहाँ कट रहा है काट दिया और कुछ नहीं कट रहा ना राइट, तो 4 हो गया लिमिट रखेंगे, तो पहले क्या रखेंगे x यानी 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 माइनस 5 बाई 3 था, x कितने आया 2 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 9 एक्स से क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 1 के ऊपर वाले पहले लिखते हैं। अब सॉल्व करेंगे 2 की पावर 4 कितना होता है 16 माइनस 1 माइनस 5 बाई 3 2 की पावर 3 8 माइनस 1 प्लस 3 2 की पावर 2 होता है 4 माइनस 1 प्लस 9 2 माइनस 1 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा, तो 16 माइनस 1 15 आ जाएगा माइनस 5 बाई 3 यहाँ बचेगा 7 यहाँ बचेगा 3 प्लस 9 बन जाए 9 हो गया। अब थोड़ा काम बचा है उसको साइड में कर लेते हैं यहाँ पर, तो 15 बचा और यहाँ पर कटेगा तो है नहीं 5 से 35 हो जाएगा, तो 15 माइनस 35 बटे 3 प्लस 3 त्रिका 9 और प्लस 9, तो क्या करोगे अब एलसीएम लोगे क्या, नहीं पहला काम एलसीएम लेना, पहले हमें देखना है कि जब बिना एलसीएम के सॉल्व हो रहे वहाँ से सॉल्व करेंगे, 9 9 18 18 15 जोड़ सकते हो 18 15 कितना हो जाएगा 8 5 13 और 2 1 3 33 हो जाएगा, तो 33 माइनस 35 बटे 3 अब यहाँ लासा लो, और लासा मैंने शॉर्टकट तो बता ही रखा है, तो इससे बड़ा इसमें करेंगे 33 यहाँ 99 99 बटे बटे के माइनस 35 करेंगे 99 माइनस 35 10 9 5 गए 4 और यहाँ 9 में 3 गए 6 64 अपॉन 3 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स लिमिट दी गई पाई बाई 6 से पाई बाई 2 दी गई है, तो कॉस एक्स है कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, और जो लिमिट दी गई उनको अप्लाई करेंगे पाई बाई 6 नीचे था पाई बाई 2 ऊपर, तो पता है कि ऊपर वाली वैल्यू पहले रखते हैं और प्लस फॉर्म पे, तो क्या है साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 6 आ जाएगा, इसके बाद पाई बाई 2, अब पाई के सबको मतलब पता है कि यहाँ पे पाई बाई का मान कई सारे होते हैं 22 बटे 7 और 3.14, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है वहाँ पे हम 22 बटे 7 3.14 यूज़ नहीं करते, वहाँ पाई का मान रखते हैं 180, तो हमने जैसे यहाँ 180 रखा तो 290 180 काटने कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, पता ही आप करके देख सकते हो,
ऐसे यहाँ पाई 180 106 बार करें कितना है 30, तो ये साइन 30 बन जाएगा। साइन 90 का मान होता है 1, साइन 30 का होता है 1/2, 2 एक कम 2, 2 में गया 1, 1/2 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां है, यहाँ पर लिमिट देगी 0 to 4 और e^(x)dx, तो पता है e^(x) का समाकलन चाहे हर जगह वही आता है, तो e^(x) का e^(x) हो गया और यहाँ पर जो लिमिट देगी वो अप्लाई करो तो 4 to 5, पहले क्या रखते ऊपर वाली वैल्यू तो क्या है e की जगह वही रहेगा e, लेकिन यहाँ x वहाँ क्या रखेंगे 5, तो e^5 माने e^4 है ना, वैसे तो हो चुका है, अब इसमें कुछ करना नहीं, बहुत ज़्यादा आप छेड़छाड़ करके कर सकते हो तो भाई e^4 कॉमन लोग तो e^1 -1 आ जाए, इस वाले तो मतलब नहीं, तो बहुत ज़्यादा ये भी आंसर लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, दोनों जन मैटर क्या तो आ रहा आंसर से फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिमिट 0 to 1 dx/(1+x²dx), ठीक है ये क्वेश्चन दिया गया, तो इसको एक करें हम लोग, यहाँ एक फॉर्मूला है 1/(1+x²), चूंकि फॉर्मूला अगर याद है आप लोग को, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है ना भाई साहब तो समाकलन ना पढ़ लोगे लेकिन पेपर टाइम ना भूल जाओ, माइंड से निकल जाएगा, तो उसको सेट करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले के लिए बुक पढ़ सकते हो, बुक को रिवाइज करो, फॉर्मूले एक बार लिख लो, एक चार्ट बना लो, बड़ा सा पेज बना लो और वहाँ पर उस फॉर्मूले को दिन रात, मुश्किल से दो दिन आप उस फॉर्मूले को दिन रात देख लो, कहीं चपका लो, जब सुबह शाम जब भी उठो कहीं भी जा रहे हो टहलने तो उसको देखो ना, मुश्किल से 2 दिन के अंदर आपको पूरी समस्या सॉल्व हो जाएगी, तो उसको ऐसे याद करो। अगर आपको समझना है फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है तो प्ले लिस्ट में जाओगे तो एक मैंने समाकलन के सारे फॉर्मूले डाल रखे हैं इंटरव्यू में, आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हो विद एग्जाम्पल, हर मैंने फॉर्मूले एग्जाम्पल दिया, ये फॉर्मूला है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया जिससे आपको समाकलन के सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, तो उससे भी सीख सकते हो। बाकी आपको पेपर में लिख के याद करना बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर याद नहीं किया अभी याद कर लो, नहीं तो दिक्कत आने वाली आगे। तो ये जो फॉर्मूला होता है 1/(1+x), ये होता है किसका, टेन इनवर्स एक्स का होता है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, देखो ध्यान से टेन इनवर्स एक्स है तो क्या लिखेंगे, टेन कुछ नया तो है ना, सेम चीज़ है, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी, लिमिट दी गई है 0 to 1 तो रख देंगे, जहाँ पे इनवर्स जहाँ पे एक्स है वहाँ क्या रखेंगे 1, तो टेन इनवर्स 1 - 10 इनवर्स 0, तो 1 किसका मान होता है, ये इनवर्स फंक्शन लगा हुआ है, तो 10 इनवर्स 1 है, इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे 10 इनवर्स 1, अब यहाँ काट तो सकते नहीं, तो इस 1 का मान क्या होता है 10 में, वो होता है 10 45 का, 10 π/4 लिख सकते हैं उसको, तो 10 कट जाता है, 45 बचा इसको लिखेंगे π/4, हम लोग 45 लिखेंगे नंबर फॉर्म पर चला जाएगा, उसको हमेशा पाई के फॉर्म पर ही लिखना होगा, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 10 inverse 10π/4 - 10 inverse, ये मान होता है 10 0 का, 0 रहेगा, देन ये 10 कट जाए यहाँ आ जाएगा π/4, ये भी 10 कट जाएगा यहाँ 0, तो आंसर मिलेगा हम लोग को π/4। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटीग्रेशन dx/(x²-1) और ये एनसीईआरटी बेसिस की लिमिट देगा 2 to 3 दी गई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि एक फॉर्मूले से मैच करता है, चलो पीछे एक साइड में पढ़ा हुआ, चूँकि एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x²-a² dx का होता है 1/2a log x - a/(x+a+c) लगाना पड़ेगा, इसको ठीक ऐसे ही अप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पे x²-1 है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से स्क्वायर है, तो 1 को लोग स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर कर लिया, जो पूरा फॉर्मूला मैच हो तो क्या है 1/2a, a मतलब यहाँ 1 है, फिर log x माइनस है, x की वैल्यू x है, माइनस a मतलब 1 है, x प्लस 1 है, यहाँ पर जो लिमिट्स को हम लोग ऐसे बड़े से डब्बे के अंदर बड़े से ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, डब्बा मतलब भाई ब्रैकेट, जीरो लिमिट देंगे 2 to 3 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1/2 आएगा, इससे कोई मतलब नहीं, 1/2 बाहर हो जाएगा, यहाँ लॉग है, यहाँ भी ऐसे रहेगा, लेकिन हम लोग को सॉल्व क्या करना, जहाँ एक्स वहाँ क्या रखेंगे पहले, अब ध्यान दिए गलती क्या होगी, देखिए आप लोग गलती क्या करोगे पता है, 3 यहाँ ऊपर रखो 2 नीचे रख दोगे, शायद यही सोच रहे हो मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं करना, पहले 3 को हर जगह रखेंगे, क्या बनेगा 3 - 1 3 + 1, इसके बाद माइनस आएगा, फिर लॉग एक्स के 2 - 1 2 + 1, ये ध्यान रखना है कि गलती ना हो कि हमने पहले 3 को ऊपर पूरे रखेंगे फिर 2 को रखेंगे, और ये 1/2 पूरे में चल रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग 3 - 1 या 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस लॉग यहाँ पे 2 - 1 1 आएगा, अपॉन लॉग 3 बन जाएगा। अब लॉग के नियम के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा कि जो अपॉन में होता है उसका मतलब क्या होता है माइनस, तो उसको ले सकते हैं लॉग 2 - लॉग 4, ठीक, माइनस ऐसे लॉग 1 - लॉग 3, अब ये माइनस लेकिन बाहर माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, अब वहाँ पे क्या आ रहा है 1/2, फिर है लॉग 2, अब 4 है, 4 को ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये लॉग 2 तो ऐसे रहेगा, जो 4 है बन जाएगा लॉग 2 का स्क्वायर, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, प्लस लॉग 3 को हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे रखेंगे, इसके एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, इतना ही सफिशियंट है इसके लिए, तो 1/2 log 2 माइनस 2 आ गया, तो 2 log 2 + log 3, अब यहाँ पे इसे माइनस करेंगे तो 2 log 2 है, तो 2 log 2 से 1 log 2 कटाएंगे कितना बचेगा, 1 log बचेगा लेकिन माइनस का, बिकॉज माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो माइनस की log 2 +
लॉग थ्री आ गया। ठीक है, इतना करने के बाद अभी प्लस को आगे करेंगे और माइनस को पीछे करना पड़ेगा। अब और आगे कर सकते हैं चाहे तो इतना ही छोड़ सकते हैं, अगर और आगे करेंगे तो लॉग के क्या बन जाएगा, लॉग थ्री अपॉन टू, क्योंकि माइनस वाला अपॉन में जाता है, तो इसको ले सकते हैं वन अपॉन टू, लॉग थ्री अपॉन टू इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन में 13 इंटीग्रेशन 0 to 1 डी एक्स अपॉन रूट 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है फॉर्मूला 1 अपॉन रूट 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है, किसके बराबर, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी के। तो सेम चीज़ यहाँ देखें तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और कुछ चेंजमेंट तो होगा नहीं, तो साइन इनवर्स एक्स लिमिट देंगे 0 to 1, तो मान रखें क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो जो 1 वैल्यू होती है साइन में किसकी होती है, साइन 90 की, तो क्या लिख 90 को ले सकते हैं हम लोग कितना, तो साइन 90 की होती है 1 वैल्यू, लिखेंगे इसको साइन पाई बाई, क्योंकि हमें पाई के फॉर्म पे ही रखना होगा, साइन 0 का मान 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन एक स्टेप बताते हैं कैसे होगा, इसको ऐसे लिख कर 0 करेंगे, राइट। साइन साइन कट जाए तो क्या कहें पाई बाई 2, यहाँ भी साइन साइन कट कैंसिल होने पर बचेगा 0, फाइनली आंसर मिलेगा पाई बाई 2। क्वेश्चन में 14 है इंटीग्रेशन 0 to a डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला किसका, ये भी 10 का होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट नहीं आपको डायरेक्ट कर देते हैं ना, राइट। तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला ही है, तो इसमें क्या अलग से करें, सेम चीज लिखी है और यहाँ 0 to a लिमिट दी गई भी रखा ली, तो 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट, पहले इसको बाहर करेंगे 1 अपॉन ए को, फिर 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए ये चलेगा। अब हम लोग करना है क्या, लिमिट अप्लाई करनी है, तो यहाँ ध्यान दीजिए गलती ना हो, पहले ए रखेंगे तो 10 इनवर्स ए अपॉन ए माइनस 10 इनवर्स, जहाँ एक्स में क्या रखेंगे 0, तो 0 अपॉन ए इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन ए बाहर चल रहा था, यहाँ ए कटेगा तो बचेगा 10 इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। तो सवाल पिछला ऐसा बन गया, ऐसा भी किया था, वैल्यू किसकी थी 10 45, मतलब 10 पाई बाई 4 ले सकते हैं, वैल्यू 10 के फॉर्म पे होती है, और यहाँ जो वैल्यू होती है 10 इनवर्स ए 0 की होती है, 10 0 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ 10 कैंसिल होगा तो मिलेगा पाई बाई 4 माइनस 0, मतलब पूरा 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा पाई अपॉन 4 ए। क्वेश्चन नंबर 16 0 पाई बाई 2 साइन 2 एक्स डी एक्स। तो इस साल हम क्या करना है, साइन 2 एक्स है, तो साइन एक्स फॉर्मूला होता है कॉस हुआ साइन 2 एक्स, इसके बाद डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, साइन 2 एक्स को जो है 2 एक्स को लेट कर लेंगे, तो लेट करेंगे इसको 2 एक्स को टी करेंगे, तो क्या आएगा डी एक्स बराबर डी टी, लेकिन 2 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो इसकी जगह हम करेंगे 1 बाई 2, 1 अपॉन 2 बाहर हो गया, 0 to पाई बाई 2 लिमिट चल रही है, जहाँ साइन एक्स है वहाँ पर साइन टी आ जाएगा या डी टी आ जाएगा। तो साइन टी फॉर्मूला सबको पता है कि और माइनस के कॉस टी होता है, क्या होता है माइनस का कॉस टी, और यहाँ 0 to पाई बाई 2 1 अपॉन 2, अब ये जो माइनस इसको बाहर करेंगे माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर कॉस टी लिमिट जो चल रही चलती रहेगी, अब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 कॉस टी, टी की जगह रखेंगे पाई बाई 2, नहीं नहीं गलती कर रहे हैं, जो हम बता रहे थे आपको गलती ना हो, गलती मैं करने जा रहा था, टी की जगह 2x रखेंगे, अभी डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते, बहुत जल्दी बाजू गलत कर देंगे, तो यहीं से हम लोग को लिमिट जैसे टी आया था यहीं से इसको हम क्या करना पड़ेगा, कॉस माइनस बार किया जब टी द्वारा रखेंगे 2x रख देंगे 0 to पाई बाई 2, राइट। अब वैल्यू पुट करें तो कॉस 2x का रखेंगे पाई बाई 2 माइनस कॉस 2 into जहाँ x का रखेंगे 0, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 अपॉन 2 कॉस पाई माइनस कॉस 0 बन गया। अब पाई मतलब होता है साइन, पाई मतलब होता है 180, 180 को हम लोग चेंज करें साइन बताते हैं, 180 को ले सकते हैं कॉस 90 प्लस 90, डैट्स मीन्स कॉस 90 प्लस थीटा, डैट इज इक्वल टू साइन 90 माइनस के फॉर्म पे, तो यहाँ पे आ जाएगी कितनी जगह माइनस का साइन 90, क्योंकि 180 तो लिखा है पाई का मतलब, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1 होती है, तो माइनस माइनस बन गया, तो माइनस 1 2 चल रहा, तो माइनस माइनस 2 हो गया, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 2 कम 2 2/2 दोस्तों काट दें, आंसर इसका 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स दिया गया, लिमिट्स की पाई बाई 4 पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 दी गई है, यहाँ कॉसेक एक्स का एक फॉर्मूला होता है लॉग 10 एक्स अपॉन 2 होता है, जो हमें लगाना है, अब इसके बाद लिमिट्स वो हम ब्रैकेट के बाहर पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 रख देंगे, अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो लॉग जो है 10 एक्स के लिए क्या रखना हम लोग पाई बाई 4 माइनस अपॉन में 2 भी है तो ये अपॉन में 2 भी रहेगा, ऐसे करके देन माइनस माइनस होगा लॉग पूरे के साथ आएगा ना, कितने माइनस लगा दो, तो लॉग 10 इसके लिए एक्स क्या रखेंगे पाई बाई 6 इंटू 2 ऐसे करके, तो यहाँ कुछ कटेगा तो है नहीं, लेकिन आपको पता है ना पाई का मान कितना होगा 180, साइड में बात करें 180 बटे 4 दून 8,
या फिर 4 × 2 था तो काटेंगे यहाँ से, दोस्त करेंगे 90 आएगा, फिर दोस्त काटेंगे 2, यहाँ आएगा 45/2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 10 45/2 लिख सकते हैं इसको, या फिर चाहे तो उसको पाई पर रहते ज़्यादा से, क्योंकि जो 45/2 कोई वैल्यू तो होती नहीं है तो कोई मतलब भी नहीं करने का उसको, तो लॉग इसको लिख देंगे हम लोग क्या 10π/8 माइनस लॉग 10π/12 हो जाएगा। अब देखो लॉग लगा बीच में माइनस आ रहा, तो उसको ले सकते हैं हम लॉग करके और माइनस को दोनों एक साथ, ठीक है, तो आएगा कितना लॉग, जैसे ऐसे एग्जांपल की बात करें ऐसे लॉग 3 माइनस लॉग 2 लिखा है, तो क्या लिखे, अब 3 मतलब पूरा, ऐसे यहाँ पर ये जो पार्ट है पूरा बनेगा, उसको लिखेंगे 3/2, ऐसे यहाँ पर लॉग जो 10 है तो 10π/8 अलग चलेगा, अपॉन में 10π/12 चलेगा, इसमें कुछ कहीं कटेगा नहीं, सोचो काट पीट के छोटा कर लो, नहीं इतना ही सफिशियंट है, बाकी चौथा फिर अगर पाई बाई 4 45 बन रहा है 22.5 बन रहा है, उसके मान रखो तो रूट्स में जाएगा, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। क्वेश्चन में 17 दिया है cos 2x dx एन सी डी बेस्ट क्वेश्चन, लिमिट इज 0 to π/2 दी गई है, तो सिंपल सा cos 2x है तो 2x को मानना ही पड़ेगा, तो 2x क्या मानेंगे हम लोग, t मानेंगे, तो क्या आएगा x dx = 1/2 dt आ जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा देंगे तो 1/2 आएगा बाहर, फिर यहाँ पे cos लिमिट चले 0 to π/2 चलती रहेगी, जहाँ cos 2x तो वहाँ आ जाएगा dt आ जाएगा, तो cos 2 का समाकलन होता है sin t होता है, लिमिट्स कितनी 0 to π/2 थी, अब यहाँ मान रखेंगे sin, जहाँ t मान रखेंगे π/2 माइनस sin 0, ठीक, तो π/2 मतलब होता है sin 90 हो जाएगा, पाई का मतलब 180, दोस्त काटो 90, sin 90 लिख दे रहे हैं आपके लिए, 90 लिख लिया, sin 0 मतलब 0 होता है, sin 90 का मान कितना 1, 1 माइनस 0 तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 का 1 ही मिल जाएगा, गुणा करने मिलेगा 1/2 आंसर। क्वेश्चन 18 है लिमिट 0 to π साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 dx, तो ये एक फॉर्मूला मैच करता है cos 2a का, अगर फॉर्मूला याद है cos 2a cos x का याद है उसी से मैच करता है, तो उससे करेंगे बहुत छोटा हो जाएगा, देखिए कैसे करेंगे, चूंकि एक फॉर्मूला होता है cos x बराबर cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, अगर ये स्टेप हम यहाँ मैच करा लेंगे तो सवाल को एक लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो cos आगे बढ़े cos पीछे, साइन आगे साइन पीछे होना चाहिए, तो इसके लिए हम माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस कॉमन क्या होता है, जो माइनस के होता है माइनस वाले प्लस बन जाते हैं, प्लस वाले माइनस बन जाते हैं, तो ऐसा करने क्या मिलेगा हम लोग, देखो यहाँ से ब्रैकेट लगा दिया, तो लिमिट चल रही 0 to π वो चलती रहेगी, और पाई थी यहाँ π/2 नहीं है, तो ये माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस वाला क्या हो गया प्लस, इसको आगे कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर x/2 ये हो गया पीछे, अब ये जो होता है फॉर्मूला किसका होता है cos x का, यहाँ लिमिट आ जाएगी कितनी cos x आ जाएगा, अब cos x का जो समाकलन होता है वो होता है साइन x, तो माइनस तो बात चल रहा है, तो ये हो जाएगा साइन x 0 to π, ठीक है, मान रख देंगे इसमें किसकी वैल्यू पुट करेंगे सारी, तो माइनस साइन पाई माइनस साइन 0, पाई मतलब क्या होता है भाई, देखो पाई मतलब 180 होता है, 180 को लिख सकते 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90 बन, दैट्स मीन कॉस 90 हो गया, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, यानी ये बन गया माइनस से कॉस 90 माइनस 0 0 हो जाएगा, अब इसमें जो मान रखेंगे तो क्या मिलेगा माइनस कॉस 90 का मान 0 माइनस 0, तो आंसर क्या है फाइनली मिलेगा 0। क्वेश्चन 19 लिमिट 0 to 1 x e की पावर x प्लस साइन पाई x/4 dx, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया बड़ा, अभी तक छोटे सवाल चल रहे थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सवाल स्टार्ट हो गया, देखो कैसे करेंगे, ध्यान देखिएगा चीज़ों को यहाँ पर, तो देखो यहाँ बीच में लगाया प्लस, इसका मतलब ये दो पार्ट में जाएगा, तो पहला पार्ट बन जाएगा 0 to 1 x e की पावर x dx प्लस 0 to 1 साइन पाई x/4 dx। अब देखो यहाँ पे x e की पावर x आ गया, यानी दो फंक्शन वाला आ गया, दो फंक्शन मतलब हम लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन का लगाना पड़ेगा, समाकलन जो इंटू करते हैं हम लोग फर्स्ट सेकंड मान के, तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट किसको मानेंगे, अब जब अप्लाई करेंगे ना उस समय तक हम लिमिट को बार बार नहीं लिखेंगे, जब सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ लिमिट पुट कर देंगे, तो हम लोग एक्स करेंगे तो क्या बनेंगे एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर माइनस आता हो याद होगा, फिर इंटीग्रेशन डी बाई अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट के इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स डी एक्स, एंड पूरा यहाँ पर क्लोज हो जाता है, और जो एक बाहर भी इंटीग्रेशन चलता है प्लस, अब यहाँ पे देखो साइन पाई x/4 है, तो पाई x/4 को क्या मानना पड़ेगा टी मानना पड़ेगा, तो पाई अपॉन फोर तो पहले से कॉन्स्टेंट कुछ करना एक्स का करना आपको, तो क्या आएगा 1, तो हमें यानी मिल जाएगा डी एक्स बराबर डी टी, ये जो वैल्यू है पलट जाएगी तो 4 ऊपर पाई नीचे आ जाएगा, तो ये इसके लिए पुट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 4/π ऐसे बाहर हो गया, लिमिट 0 to 1 चल रही थी, और इसको हमने माना था टी यहाँ आ जाएगा साइन टी और यहाँ आ जाएगा डी टी, तो एक्स e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है माइनस x का अपन करेंगे तो 1 मिलेगा हम लोग को, e की पावर x का e की पावर x dx, और फिर पूरे का एक dx चल रहा था चलता रहेगा जो बाहर वाला चल रहा था अभी, प्लस
फोर अपॉन फाइव इधर चले, साइन टी करेंगे तो माइनस आएगा, तो भाई प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, कॉस टी और जो लिमिट है वो कवन जीरो टू वन बन जाएगी। तो अब यहाँ पे जो एक लास्ट स्टेप करने के बाद ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा भाई, ये यहाँ इंटीग्रेशन हटेगा, इसका उन्होंने किया तो हम लोग ये मिला और ये बाहर वाला भी चल रहा था, इसको करेंगे वापस हमें यही मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग मान रख दें कितनी लिमिट चल रही थी, जीरो टू वन माइनस फोर अपॉन पाई कॉस टी, यहाँ पे अब टी को वापस मान रखना पड़ेगा, ये गलती होती है जल्दीबाजी मान रखते होते, टी को वापस रखेंगे पाई एक्स अपॉन फोर, जो लिमिट थी वो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान रखेंगे जहाँ एक्स में क्या रखेंगे वन, तो आएगा वन माइनस ई की पावर वन माइनस ई की पावर वन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये पहले ये रखना है हम लोग को हर जगह ब्रैकेट, फिर माइनस लगाएंगे, फिर जीरो करेंगे तो जीरो ई की पावर जीरो ई की पावर जीरो, ये हो गया क्लोज, ये पहला पार्ट हो गया। ऐसे यहाँ करेंगे फोर अपॉन पाई कॉस, जहाँ वन मान रखेंगे कॉस पाई अपॉन फोर इंटू वन माइनस पाई अपॉन फोर इंटू जीरो हो गया। तो यहाँ ई की पावर वन है, मतलब ई की वन से को बदलेंगे तो ई की पावर वन ऐसे मिलेगा, ई की पावर वन मतलब क्या होता है भाई, ई होता है, और ई देखो जहाँ जो गुणा करें ई मिलेगा तो सेम प्लस माइनस कट जाएगा तो इतना हो जाएगा जीरो, ई की पावर जीरो का मान वन होता है और जीरो का गुणा वन में होगा तो क्या आएगा जीरो। ठीक है, तो ये बन जाएगा जीरो और ये ई की पावर वन, यानी किसी भी घात जीरो का मान कितना होता है एक, याद रखो ई की पावर जीरो एक्स की पावर जीरो टी की पावर किसी भी पावर जीरो उसका वैल्यू सबका मान वन होता है। तो ऐसा यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, इसके जगह पर क्या रखा वन रख दिया माइनस, अब ये सारा काम सॉल्व हो गया। इधर सॉल्व करेंगे फोर अपॉन पाई, अब यहाँ पाई अपॉन फोर, पाई का मतलब होता है कॉस 45, कॉस 45 मतलब कितना होता है वन बाई रूट टू आ जाएगा, माइनस पाई अपॉन फोर इंटू जीरो है बगल में, जीरो करेगा पूरा जीरो कर देगा तो कॉस जीरो का मान कितना होता है वन। अब देखो यहाँ क्या बचा, जीरो का मतलब नहीं, यहाँ गुणा करें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ कि हम लोग को प्लस का वन मिलेगा माइनस फोर अपॉन पाई बार चल रहा था, चलने देते हम लोग फोर अपॉन पाई। अब चाहे तो यहाँ लासा लेके सॉल्व कर सकते हैं या फिर इतना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब लासा ही ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा रूट टू आ जाएगा, तो आ जाएगा वन माइनस रूट टू आ जाएगा। इसको हम लासा ना भी लें तो भी हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं, यहाँ गुणा करते हैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट खोल, तो फोर अपॉन पाई का गुणा वन में करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ बन जाएगा प्लस, तो आएगा फोर रूट टू अपॉन पाई रूट टू कर सकते हैं। ठीक ना, फोर रूट टू अपॉन पाई, हाँ ये रूट टू पूरे में था जैसे यहाँ पे मिस्टेक किया, वन अपॉन रूट टू लास्ट, यहाँ भी मत लो इसको ज़्यादा अच्छा ना, आप क्या करो इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पे वन आ रहा था फिर माइनस, इसके इसमें गुणा करेंगे माइनस का बन जाएगा फोर अपॉन पाई रूट टू, फोर अपॉन पाई रूट टू, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा फोर अपॉन पाई। भाई किताब से आंसर मैच करना तो हमें करना पड़ेगा, अगर ना मैच करना हो तो कहीं तक भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, वन प्लस फोर अपॉन पाई ऐसे रहा, फोर अपॉन पाई रूट टू, तो रूट टू को अपन जी गुणा कर देंगे तो वन प्लस फोर अपॉन पाई माइनस फोर रूट टू अपॉन पाई रूट टू, कितना हो जाएगा टू, दो से कटे दो ना चार, तो वन प्लस फोर अपॉन पाई माइनस टू रूट टू अपॉन पाई, इसे कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन में बीस है इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू अंडर रूट वन माइनस कॉस टू डी एक्स, तो यहाँ पे क्या दिया गया लिमिट जीरो टू पाई बाई टू है, तो फिलहाल लिमिट्स का मतलब तो होता नहीं, पहले यहाँ पे हम लोग क्या करना है फॉर्मूला लगाना है कॉस का, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगर देखें ना कॉस टू इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, कॉस के फॉर्म पे एक, साइन के फॉर्म पे एक, टेन के फॉर्म पे होता है, लेकिन हम लोग का यूज़ क्या करना है साइन के फॉर्म पे, क्योंकि कॉस के पहले क्या आ रहा है माइनस, जब भी कॉस पहले माइनस आता है लगाते हैं साइन के फॉर्म में, याद रखो हमेशा अगर कॉस से पहले अगर प्लस आ रहा है ऐसे यहाँ प्लस वन होता तो हमें कॉस के फॉर्म लगाते हैं, तो उसको ऐसे करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू वो कट जाएगी, तो ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पर तो वन माइनस 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 प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, तो यहाँ वन वन कट जाएगा तो क्या मिलेगा जीरो टू पाई बाई टू, अब अंदर क्या बचा टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन का वर्गमूल होता है क्या पाई बाई टू, तो साइन यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर, तो क्या मिल जाएगा साइन एक्स, अंदर क्या जाएगा रूट टू रह जाएगा, है ना, साइन बाहर आ गया इस पर स्क्वायर लगा था, ये रूट टू यहाँ कॉन्स्टेंट, रूट टू को बाहर कर देंगे तो क्या मिलेगा जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है समाकलन क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, और लिमिट का जीरो टू पाई बाई टू दी गई थी, अब ये जो वैल्यू माइनस इसको बाहर ले आएंगे तो बन जाएगा कितना माइनस का रूट टू, और ये अंदर रह जाएगा कॉस एक्स और जीरो टू पाई बाई टू हो जाएगा, तो यहाँ मान रखें क्या आएगा कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस जीरो आ जाएगा, कॉस नाइन्टी का मान होता है जीरो, क्योंकि पाई बाई टू मतलब पता है नाइन्टी होता है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो जीरो से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा जीरो, ये कह सकते हैं इसको पहले घटा जीरो में वन घटाया क्या मतलब माइनस का वन, गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस रूट टू कम रूट टू, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन में इक्कीस है जीरो टू पाई बाई टू लिमिट दी गई साइन क्यूब एक्स डी एक्स एन सेट में, इसको साइन क्यूब लगा तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा साइन
3x का क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin 3x से लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, बिकॉज है क्यूब है, क्यूब का हम लोग समाकलन नहीं कर सकते। साइन एक्स के कर सकते हैं, कॉस एक्स होता है, लेकिन क्यूब है, स्क्वायर है, पावर जैसे बढ़ते जाए तो उसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसको फॉर्मूले से बाहर निकालना पड़ता है। तो साइन क्यूब के लिए हमें एक ये फॉर्मूला करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम लोग इस पार्ट को निकालेंगे। जैसे यहाँ दिख रहा है क्यूब दिख रहा है, तो इस पार्ट को माइनस के दलाएंगे क्या बन जाएगा, प्लस 4 sin³ क्या बन गया, प्लस का 3 sin ऐसे रहेगा, ये माइनस प्लस के दलाएंगे बन जाएगा माइनस का 3x, ये 4 × में कहाँ जाएगा अपॉन में, तो साइन क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 sin x माइनस 3x बटे 4। ये इसकी जगह हम ये पूरी वैल्यू रख देंगे तो क्या बने 0 to π/2 3 sin x माइनस 3x बटे में 4, चार कांस्टेंट, चार बाहर आ जाएगा, 0 to π/2 3 sin x dx। ठीक है, ये अलग अलग कर लेते हैं तो ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग। अच्छा, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, मान लो भी इतना हुआ, ठीक है, ये 4 बाहर हो गया था, अब क्या करेंगे, 1/4 ऐसे रहने हैं, 0 to π/2, अब दोनों अलग अलग करेंगे तो ये 1/4 दोनों में चलेगा, तो 3 sin x इसमें भी चलेगा dx माइनस 0 to π/2 sin 3x यहाँ भी चलेगा, और ये 1/4 ऐसे बाहर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम sin 3x है लेकिन 3 sin x है, तो 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर लेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 0 to π/2 लिमिट चलती रहेगी, यहाँ sin x ही रहेगा माइनस। अब यहाँ पे देखो कुछ बाहर तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ हम लेट कर सकते हैं 3x को, अगर यहीं लेट कर ले, मान लो 3x को लेट किया, लेट 3x इसके लिए t, तो पता क्या आएगा, dx बराबर dt आएगा, लेकिन जो 3 वो कहाँ जाएगा अपॉन, तो हमें dx वैल्यू 1/3 dt मिल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/4 पहले से था और 1/3 हमें एक और मिल गया, तो (3) हो गया। लिमिट क्या थी, 0 to π/2 चल रही थी। अब जहाँ 3x वहाँ क्या रखेंगे, हम t रखेंगे जिसको माना था, तो यहाँ आ जाएगा sin t dt आ जाएगा, 3/4 sin x करेंगे समझ माइनस का cos x आएगा, लिमिट 0 से π/2 चल रही थी, यहाँ आ जाएगा 1/12, और ऐसे यहाँ sin t करेंगे तो माइनस का cos t आ जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस का cos t, लिमिट 0 to π/2 हो गया, माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस 3/4 बाहर हो गया, क्या बचा, अंदर कल cos x बचा, लिमिट अभी अप्लाई नहीं की इसलिए इसको ऐसे रख देते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बनकर 1/12 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे cos t। अब t को वापस मान रखना पड़ेगा, t को मान रखना, 3x को माना था तो t की जगह रखेंगे 3x रखेंगे, और यहाँ लिमिट 0 to π/2 अप्लाई कर देंगे, तो ये प्लस वाला पार्ट ऐड कर ले रहे हैं, चलिए अगले स्टेप में कर लेते हैं, यहाँ मान रख लेते हैं पहले, तो cos x तो पहले ऊपर अपर लिमिट लिखते हैं π/2, माइनस लोअर लिमिट दिया 0, फिर प्लस 12, और यहाँ भी सेम स्टेप करेंगे, cos 3 × x की रखेंगे π/2, माइनस cos 3 × 0, माइनस 3/4 cos 90 = 0 होता है, cos 0 = 1 रख देंगे, प्लस 1/12 हो गया, cos 3π/2, मतलब इसको साइड में बताएं, 3/2 मतलब क्या होता है, पाई का मान 90 होता है, 180 होता है, 2 से काटेंगे कितना 90, 90 से कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा, यानी cos 270 मिल गया, 270 किसी वैल्यू तो होते हैं, इसको ले सकते हैं 180 + 90, तो cos 180 + 90 किस बन जाएगा, cos 180 + θ, यानी इस वाले पार्ट में आएंगे, इस वाले पार्ट में कौन होता है, 10 होता है, इसका मतलब ये पार्ट कैसे होता है, माइनस के cos 90 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू किसकी होगी, cos 90 की होगी, माइनस में ये 0 गुणा करेंगे पूरा 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे, देखो इससे पहले घटा लेते हैं, 0 में 1 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 1/12 cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ पर हम लोग को ऐसे मान मिल रहा है, जैसे हम यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 * 3, यहाँ गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस 1/12, 0 का मतलब तो है नहीं, ऐसे मिलेंगे तो 12 आएगा, तो 4 * 3 = 12 9 आएगा, 12 * 12 = 1 आएगा, तो 8/12 आ जाएगा, 4 * 2 = 8, 4 * 3 = 12, तो आंसर मिलेगा लोगों को 2/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 0 to π/4 sin 2x dx दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे sin 2x है, sin x तो है नहीं, अगर sin x तो सीधे में सॉल्व करते, जब 2x लगा होता, 3x होता है, ऐसे क्यूब था, स्क्वायर होगा, तो इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें लेट ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लेट करेंगे किसको, 2x को मान लेंगे t, तो 2 कॉन्स्टेंट है, d/dx(x) / dt/dx, तो क्या आएगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मिलेगा 2 dt/dx, तो फाइनली मिलेगा dx = 1/2 dt मिल जाएगा, ये मान मिल गया, वो इसके जगह रिप्लेस करेंगे, तो 0 to π/4 लिमिट चल रही है, चलती रहेगी, जहाँ 2x लिखा है वहाँ हम लोग केवल t लिख देंगे, जहाँ dx लिखा 1/2, तो जो कॉन्स्टेंट होकर बाहर हो गया, यहाँ बन गया dt, तो ये मान आ गया। अब sin t के समाकलन करेंगे तो क्या आता है, sin t समाकलन ये होता है माइनस का cos t हो जाएगा, लिमिट्स का 0 to π/4 चल रही थी, माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस का 1/2 cos t 0 to π/4, अब यहाँ मान रख देंगे तो माइनस का 1/2
कॉस पाई अपॉन फोर माइनस कॉस जीरो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ कॉस पाई बाई फोर यानी कि कॉस 45, 180 बटे चार करोगे 45 आ जाएगा, और ये कितना जीरो का मान 1 होता है, कॉस प्ले 1 कितना होता है 1 बाई रूट टू माइनस 1। अब चाहे तो लासा ले लें एक साथ, ये चाहे तो पर्टिकुलर अलग अलग गुणा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसका अलग अलग गुणा करना ऐसे ही रहेगा, तो इसके इसमें गुणा करें तो माइनस माइनस 1 आएगा या 2√2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 मिल जाएगा। अब इसमें कंजुगेट कर सकते हैं, जैसे √2 इसको ऊपर नीचे करने के लिए कह सकते हैं, √2 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो √2/√2 बन जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का √2/2 2 2 2 2 4 ये बन जाएगा। ऐसे मतलब कई तरीके से आंसर ले सकते हैं, ये भी करेक्ट आंसर, चलो तो एलसीएम ले कर लेते वो भी सही था। तो कोई इनका आंसर फिक्स नहीं होता कि आपको यही लाना है, जो आप तो सुटेबल लगे वो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो एनसीईआरटी लग गया तो मतलब नहीं बहुत हार्ड हो गया, हाँ थोड़ा सा लॉजिकल बेस पे क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी का मतलब है थोड़ा सा लॉजिक, यानी अब थोड़ा एक्स्ट्रा सोचो। तो इस सवाल में थोड़ा एक्स्ट्रा का सोचना, अगर देखें तो पता है कि फॉर्मूला ई की पावर एक्स होता है, बट यहाँ पे ई की पावर एक्स नहीं, इस क्वेश्चन में क्या दिया है ई की पावर एक्स का स्क्वायर, यानी दिक्कत क्या कर रहा है, ई तो दिक्कत नहीं कर रहा, ई अपनी जगह फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत किससे एक्स स्क्वायर, जिससे दिक्कत हो उसी को लेट करो हमेशा, ये मेरा तरीका है ऐसे लेट किया जाता है। तो लेट इसे करेंगे दिक्कत किससे एक्स स्क्वायर से, मैं एक्स स्क्वायर को मान लिया टी, तो एक्स स्क्वायर को अपन करें तो क्या आएगा 2x बराबर चलेगा dt/dx, हमें केवल चाहिए एक्स और डीएक्स को हटाना है, तो एक्स तो यहीं है डीएक्स यहीं आ गया, 2x का था अपॉन में चला गया, क्या मिले हम लोग को एक्स डीएक्स का 1/2 dt मिल गया, तो 1/2 बाहर हो जाएगी यहाँ से। ठीक, इसके बाद लिमिट थी 0 to 1 एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर को माना था टी, तो वहाँ टी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी टी, तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। ई की पावर टी मतलब होता है ई की पावर टी होता है, लिमिट्स के 0 to 1 दी गई है, तो मान रखें ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0, तो 1/2 ई की पावर 1 तो एक ई रहेगा, ई की पावर 0 मान 1 हो जाएगा, तो ये भी आंसर सही है। अगर इसको एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो गुणा कर सकते हो, तो भाई ई की पावर 2 माइनस 1/2 लिख सकते हो, ये आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 24 है इंटीग्रेशन लिमिट है 1 to √3 tan inverse x upon 1/x^dx क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ सबसे पहला काम भी करना है उसको सीधे लेट से स्टार्ट करना है, यहाँ लेट करेंगे हम लोग tan इनवर्स x को t मानेंगे, इसका अवकलन करें तो आता है 1/1 + x² आता है dt/dx हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि यहाँ पे tan inverse x है और ये पार्ट जो है ये पूरा मैच कर रहा है इससे, तो अगर dx को उठा के डाल दिया क्या बन जाएगा 1 + x² dx / dt, ये इससे पार्ट मैच हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे जहाँ पे वैल्यू अपुट कर देंगे 1 to √3 आएगा, यहाँ tan inverse x के टी रखेंगे, ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा dt। अब सिंपल सा हो गया, t का समाकलन करें क्या आएगा t² / 2 आ जाएगा, जो वैल्यूज दी गई वो क्या 1 to √3 दी गई है यहाँ पर। तो पहले क्या करते हैं जो 2 को इसको हटा लेते हैं, है ना, गलती होने चांस कम इसलिए होता है, 2 को पहले हटाओगे 2 बाहर आ जाएगा इस फॉर्म पे, यहाँ पे t है। अब t का मान हम लोग रिपोर्ट कर सकते, t को हमने माना था उसको हमें हटाना पड़ेगा, t किसके मान जाएगा tan inverse x और tan inverse x आ जाएगा और लिमिट थी 1 to √3। अब यहाँ मान रखेंगे तो 1/2 बाहर चल रहा था, tan inverse x की जगह क्या रखेंगे √3 माइनस tan इनवर्स, फिर यहाँ x क्या रखेंगे यहाँ पे 1 रख देंगे, तो 1/2 tan इनवर्स √3, √3 मतलब tan का मान 60 का, और 60 को हम चेंज करेंगे पाई में, क्या होता है पाई अपॉन 180 × 60 आ रहा है, तो इसको ऐसे कट करें तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, भाई √0 कट गया, तो यानी इसको मैं ले सकते हैं tan इनवर्स 10 पाई अपॉन 3, ये मैंने मेथड कई बार बताया है, ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया ताकि आपको समझ में आए कि पाई अपॉन 3 आया कैसे। अभी 1 है तो 1 वाली इसकी 45 की होती है, ऐसे उसको काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 10 पाई अपॉन 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है हमें यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा, 10 हट जाएगा यहाँ से, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 12 आएगा, तो 3 × 4 = 12 4π माइनस 3π घटा देंगे तो केवल बचेगा ऊपर पाई, नीचे 12 गुणा करेंगे पाई बटे 24 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 25 है इंटीग्रेशन 2x + 3 / 5x² + 1 dx एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसकी लिमिट दी गई 0 to 1 दी गई है। तो यहाँ पर पहला काम क्या गया, लेट करने से ऊपर चीज हटेगी नहीं हटेगी, डायरेक्ट नहीं हट सकती, तो उसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दिया, कैसे अलग किया, जो 2x है इसको अलग किया, तो 2x / 5x² + 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 को अलग करेंगे तो 5x² + 1 हो जाएगा, यहाँ dx हो गया। ठीक है, अभी दोनों पार्ट बन गए, इस पार्ट्स को भी अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अब दोनों के साथ आएगा अलग अलग, तो इन दोनों को अलग करेंगे तो 2 तो बाहर जाएगा, 2 को रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ऐसे रखा और यहाँ पर क्या होगा 5x² + 1, ये अलग पार्ट हो गया, लिमिट 0 to 1 हो गई, ऐसे यहाँ पर 3 बाहर हो गया, 1/5
फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स बन गया। अभी इसको सॉल्व करने के तरीके देखेंगे। तो अगर यहाँ इसको लेट कर लें, इस पार्ट को लेट करेंगे तो क्या ये पार्ट मिल जाएगा? हाँ, काफ़ी हद तक मिल जाएगा। तो हमने पहले काम क्या किया, लेट किया हमने, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लिया। तो ऐसे करने से क्या मिलेगा, पाँच तो आगे रहेगा, घात आगे आएगी दो एक्स प्लस जीरो डी टी बाई डी एक्स। हमें चाहिए क्या, केवल ऊपर टू एक्स, तो ये फाइव एक्स्ट्रा है, तो टू एक्स साथ में रखेंगे, वन अपॉइंट फाइव डी टी मिल जाएगा। तो ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसको तब तक पुट कर लेते हैं। तो जीरो टू वन, जहाँ टू एक्स डी एक्स मान के आ जाएगा, वन अपॉइंट फाइव डी टी अपॉन पूरे को माना है तो पूरा वन अपॉइंट टी हो गया। जो माइनस यहाँ फिर प्लस है, थ्री रखा है, जीरो टू वन चले लिमिट। अब इसको हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं, ध्यान देखो, देखो फॉर्मूला किसका, ये टेन का फॉर्मूला है। तो यहाँ फाइव कॉमन लेंगे, फाइव लेने से क्या होगा, हमें मानना नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ फाइव कॉमन लिया, तो इसके पास फाइव था, तो यहाँ से तो हट जाएगा, बट इसके पास फाइव नहीं, तो वन अपॉन फाइव मिल जाएगा। ये फॉर्मूला किसका बन गया, लॉग का। तो ये बन जाएगा वन अपॉन फाइव लॉग टी हो जाएगा। यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर बनाने बनाएंगे, इसकी लिमिट्स को जीरो टू वन के फॉर्म पर रखेंगे, यहाँ पर चल रही है। तो ये इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट फाइव का होल स्क्वायर बना दिया। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, देखो बताते, चूंकि फॉर्मूला होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, ठीक है। तो ये इसी फॉर्म पे आ गया, यहाँ तो सॉल्व हो गया, यहाँ टी के वापस मान रख दें, तो वन अपॉन फाइव लॉग टी, टी हमने किसको माना, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन को। तो यहाँ लिखेंगे फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन, लिमिट थी जीरो टू वन, वो यहाँ पर रख देंगे, प्लस थ्री अपॉन फाइव वो चल रहा था। यहाँ पर क्या है, अब देखिए फॉर्मूला बन गया पूरा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक जी वन अपॉन रूट फाइव है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे वन अपॉन ए, तो ए यहाँ कितना है रूट फाइव, तो वन अपॉन रूट फाइव आएगा। तो वन अपॉन रूट फाइव बिकॉज ऑलरेडी अपॉन के फॉर्म पर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या, टेन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे एक्स क्या है, हमने एक्स ही रखा। ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा वन अपॉन रूट फाइव, और यहाँ पर जो लिमिट्स थे वो ऐसे यहाँ पर चलती रहेंगी जीरो टू वन के फॉर्म पर। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, वन अपॉइंट फाइव चल रहा है, तो पहले हम लोग अप्लाई वन रखेंगे, तो लॉग फाइव इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन, फिर माइनस लगाएंगे, जीरो रखेंगे अब यहाँ पर, तो फाइव इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस वन मिलेगा। ये हुआ पहला पार्ट सॉल्व। ऐसे यहाँ भी देखो वन अपॉइंट रूट फाइव है, इसको हम बाहर कर सकते हैं इंटू फॉर्म पे, लिमिट की वैल्यू हम एक्स पे रखते हैं, इससे कोई मतलब तो है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन फाइव, और जो रूट फाइव ऊपर जाएगा तो थ्री रूट फाइव अपॉन फाइव बन जाएगा, और अंदर टेन वर्ड्स एक्स, इसको और एक ढंग से लिख लेते हैं, तो एक्स रूट फाइव ये बन जाएगा, ये रूट फाइव ऊपर निकल जाएगा। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, वन बाई फाइव चल रहा है यहाँ पर, और वन का स्क्वायर वन, पाँच और एक छः, तो ये बन जाएगा लॉग सिक्स बन जाएगा। यहाँ क्या होगा, जीरो गुणा करेंगे फाइव में, तो जीरो बन जाएगा भाई, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, फाइव में गया, फाइव में जीरो बन गया, फिर एक बचा, तो यहाँ हो गया लॉग वन हो गया। यहाँ पे ऐसे रहते हैं टेन वर्ड्स, अब यहाँ मान रखेंगे टेन वर्ड एक्स का रखेंगे वन, तो वन इंटू रूट फाइव माइनस टेन इनवर्स यहाँ पे क्या है एक्स, तो यहाँ आएगा टेन जीरो इंटू रूट फाइव वन अपॉन फाइव, यहाँ लॉग सिक्स को ऐसे रखेंगे, लॉग वन का मान जीरो होता है तो उसको मतलब नहीं, हटा दिया जाओ तो एक स्टेप बढ़ा के इसको जीरो दिखा सकते हो, बाकी यहाँ पे कुछ सॉल्व होगा नहीं। यहाँ भी क्या होगा, टेन वर्स रूट फाइव, रूट फाइव किसी की वैल्यू टेन में होती नहीं, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉप कट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जीरो है तो पूरा जीरो हो गया, टेन जीरो मतलब पूरा मान जीरो ही होता है, एटलीस्ट जीरो ही मिल गया। अब देखें ध्यान से, वन पॉइंट फाइव कॉमन, पूरे से वन पॉइंट फाइव कॉमन ले लिया, इसको ले सकते हैं लॉग सिक्स प्लस थ्री रूट फाइव टेन इनवर्स रूट फाइव, और ये इसका सोल्यूशन आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 से इंटीग्रेशन sec x dx, इसकी लिमिट रूट टू पाई बाई फोर दिए गए। तो एक खुद ही एक फॉर्मूला होता है sec x, इसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है लॉग sec x प्लस टेन एक्स होता है, ठीक। अब यहाँ सीधे लग गया, अब लिमिट्स को भी हम लोग सीधे अप्लाई करेंगे, जीरो टू पाई अपॉन फोर का, यहाँ पे इसका मान रख देंगे, तो क्या है लॉग sec x, x का रखेंगे पाई अपॉन फोर प्लस टेन पाई अपॉन फोर, ये पहला मान होगा, फिर इसके पीछे माइनस आएगा, हम जीरो रखेंगे, तो लॉग sec जीरो प्लस टेन जीरो आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, जहाँ तक कर सकते हैं, तो sec पाई अपॉन फोर यानी कि cos 45 का उल्टा मान, cos 45 क्या होता है वन अपॉन रूट टू, तो ये बन जाएगा रूट टू
प्लस 10 पाई अपॉन 10^45 के मान एक होता है, एक आ जाएगा, माइनस लॉग, यहाँ सेक्स जीरो है तो यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। यहाँ पे कॉस जीरो का मान क्या होता है, वन, तो सेक्स जीरो का मान भी हो जाएगा वन, या टेन जीरो का मान जीरो आ जाएगा। यहाँ लॉग आएगा रूट टू प्लस वन माइनस लॉग वन मिल जाएगा, और लॉग वन का मान कितना होता है, जीरो, तो ये ऐसे रहेगा रूट टू प्लस वन, लॉग वन जीरो प्लस जीरो, तो आंसर मिलेगा इसका लॉग रूट टू प्लस वन आंसर आ जाएगा। और इसमें कोई चेंजमेंट है नहीं, देख सकते हो, दोबारा बता दें कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो तो, पाई अपॉन फोर रखा है हर जगह जहाँ पे एक्स दिख रहा था, फिर मैंने इसके लिए दोबारा माइनस का जीरो रखा, पाई अपॉन मतलब 45, सेक्स 45 का मान रूट टू होता है वो रखा, 45 का मान एक होता है एक ही रहेगा, सेक्स जीरो का मान होता है जो कॉस जीरो का होता है वह सेक का उसका उल्टा होता है, कॉस जीरो का मान क्या होता है वन, तो सेक्स जीरो का मान वन हो जाएगा, टेन जीरो का मान जीरो हो जाएगा, तो रूट टू प्लस वन इतना मिल गया, और यहाँ पे लॉग वन मान जीरो, तो इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 27 से लिमिट जीरो टू पाई फोर दिया, क्वेश्चन टू सेक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस टू डी एक्स, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये काफी सिंपल सवाल है। यहाँ पे तीन पार्ट्स में दिया गया, तीनों पार्ट्स को अलग अलग करेंगे, तो जीरो टू पाई बाई फोर अलग चलेगा, टू सेक, टू तो कॉन्स्टेंट पता है, टू को बाहर किया है, लिखा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू पाई बाई फोर एक्स क्यूब डी एक्स प्लस जीरो टू पाई बाई फोर और टू डी एक्स, टू को कॉन्स्टेंट, टू को बाहर करेंगे, इसलिए रखेंगे वन डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ सबको सॉल्व करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन एक्स, तो यहाँ टेन एक्स मिल जाएगा, लिमिट जीरो टू पाई अपॉन फोर हो जाएगी, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो उसको सॉल्व करेंगे, एक्स पावर फोर अपॉन फोर, लिमिट जीरो टू पाई बाई फोर प्लस टू, वन का होता है एक्स, यहाँ एक्स आ जाएगा, लिमिट जीरो टू पाई बाई फोर मिल जाएगा। सबके मान रखेंगे यहाँ प्रॉपर, तो सबके मान एक साथ कभी रखने, गलती ना करें, मैं कई बार बताया तो एक ही करके रखिएगा, पर टेन एक्स है तो टेन एक्स के फॉर्म पर रखेंगे, तो टेन पाई अपॉन फोर माइनस टेन जीरो, यहाँ क्या रखेंगे, टेन टेन तो है नहीं, एक्स है तो एक्स पावर क्या, पाई अपॉन फोर की पावर फोर अपॉन फोर माइनस, फिर कितना जीरो रखें, जीरो की पावर फोर अपॉन फोर प्लस टू पाई अपॉन फोर माइनस जीरो, टेन पाई अपॉन फोर मतलब टेन 45 अगर मान होता एक, टेन जीरो का मान जीरो, यहाँ पे हो जाएगा फोर, तो पहले से था पाई अपॉन फोर, फोर की पावर फोर कितना होता है 16, चार जो को 16 हो जाएगा, 16 जो 64, और 64 जो करना है तो 64 गुणा चार में करेंगे, चार 16 से लगा एक, चार से 14 256, तो 256 तो ऊपर से मिलेगा, यानी पाई पावर फोर अपॉन 256, ठीक, इंटू फोर, फोर का मल्टीप्लाई यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ पे दो से दो कट जाएगा तो टू पाई अपॉन फोर है, तो काटेंगे तो मिल जाएगा टू, दो से गुणा चार गुणा में और करना है तो चार छः 24 हाथ से लगा दो, चार पाँच 20 तो 22 लगा दो, चार तो नहीं 8 दो 10 1024 मिल जाएगा हम लोग को, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे पाई की पावर 4 अपॉन 1024 प्लस पाई अपॉन 2 आ जाएगा। इसके आगे सॉल्व होगा नहीं, बहुत ज़्यादा इसको सिक्वेंस रख सकते हो, जैसे कि पाई अपॉन 4 अपॉन 1024 पाई बाय 2 प्लस 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 से लिमिट दी गई 2 to 3 और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स, तो काफ़ी सिंपल एनसीईआरटी यहाँ पर देगा, इस बार एनसीईआरटी को मतलब मैंने बहुत सिंपल दे दिया क्वेश्चन, तो सीधे सीधे इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ मानना पड़ेगा क्योंकि हमें एक्स को हटाना है, तो यहाँ लेट करेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, जैसे टी लेट करेंगे इसका ओपन करें तो 2x आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ डी टी वाई डी एक्स मिल जाएगा, तो हम लोग को चाहिए केवल x, तो x डी एक्स स्क्वायर टू हो जाएगा 1/2 डी टी हो जाएगा, तो x डी एक्स मैच कर रहा है ऊपर वाले पार्ट से, 1/2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। लिमिट थी 2 to 3, यहाँ पे ऊपर तो हट चुका है, ऊपर डी टी आ जाए, नीचे पूरे टी माना, तो यहाँ टी आ जाएगा, तो 1/2 क्या होता है लॉग टी, तो ये बन जाएगा लॉग टी, और लिमिट 2 to 3 हो गए, 1/2 लॉग टी, टी हम लोग इसको माना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ रखेंगे, इसके अब लिमिट जो चल रही थी 2 चलेगी। अब हम लोग पहले बार ऊपर वाला पार्ट रखते हैं, तो ऊपर लिमिट प्लस के फॉर्म पे होती है हमेशा, तो जहाँ एक्स स्क्वायर रखें 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो 1/2 बाहर चलेगा ऐसे ही, यहाँ आएगा लॉग, इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 लॉग 10 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 या लॉग 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, इसको हम लोग और तरीके से भी कर सकते हैं, तो देखो आपको बताते हैं, तो लॉग 10 के मान 1 होता है लेकिन लॉग 5 का मान नहीं होता है, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 5 को 10/2 ऐसे लिखा जाता है, तो 1/2 लॉग 10 माइनस लॉग, अब ये पता है ऊपर वाला पार्ट प्लस पे होता है, ब्रैकेट लगा बिकॉज माइनस लगाए, और नीचे वाला मान माइनस में होता है लॉग के नियम के अकॉर्डिंग, तो 1/2 लॉग 10 माइनस लॉग 10 माइनस माइनस प्लस लॉग 2, लॉग 2 का मान 1 हो जाएगा, लॉग 2 का मान होता ही नहीं कोई, तो ये बन जाएगा ऐसे, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 29 है इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी लिमिट 1 to 2 दी गई है, तो सबसे पहले काम देखो यहाँ पे घाते बराबर, जब घाते बराबर होंगे तो डायरेक्ट आंसर भी नहीं कर सकते, तो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो करना क्या होगा, सवाल देखिए यहाँ पर
सबसे पहले हमें भाग करना पड़ेगा, इसको रफ में कर लेते हैं साइड समझाने के लिए। आपको एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री है, इसका भाग करना पड़ेगा हमें फाइव एक्स स्क्वायर में। जब इसका भाग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे घाते, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, फाइव स्क्वायर कितने गुणा करना, केवल फाइव का, तो आएगा कितना फाइव एक्स स्क्वायर प्लस बीस एक्स प्लस पंद्रह आ जाएगा, तो माइनस 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 कट जाएगा, तो आएगा माइनस का बीस एक्स माइनस का पंद्रह। अब हमें इसको कैसे करना है, ये लाना है। तो हम लोग करते क्या है, जो संख्या नीचे लिखी हो तो उसको कैसे लिखते हैं, नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, जो भागफल आया है उसको लिखेंगे हम इसके ऊपर, और जो ये आया इसको यहाँ लिखेंगे ऐसे। ठीक, ऐसे लिखा जाता है, एक तरीका है, बेस्ट तरीका आपको बताने का। तो यहाँ जब ऐसे करेंगे देखेंगे यहाँ पर अगर माइनस लगाएंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं कि माइनस लगाएंगे निशान से बदल जाएंगे तो क्या लगाएंगे प्लस, जैसे हम लास्ट लेंगे तो पाँच गुणा सब में हो जाएगा, पाँच को बीस पाँच से पंद्रह कट के हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। यानी इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन टू टू दी गई लिमिट, यहाँ फाइव प्लस माइनस का बीस एक्स माइनस पंद्रह अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री के फॉर्म पे लिख सकते हैं, इस पार्ट को ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद दोनों को अलग अलग करेंगे, तो ये तो ऑलरेडी पहले से अलग दिखाई दे रहा, तो फाइव तो छोटा सा पार्ट था, वन और टू हो गया, ये बाहर हो गया। अब बचा यहाँ पे वन डी एक्स, यहाँ पे क्या माइनस कॉमन ले लिया दोनों में, तो आएगा लिमिट वन टू टू, इसके बाद बीस एक्स प्लस पंद्रह हो गया, साथ में पांच भी कॉमन है, पांच भी सीधे हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो पांच को बीस हो गया, पांच से पंद्रह हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे तो वन की वैल्यू एक्स, तो एक्स हो जाएगी, लिमिट वन टू टू बन जाएगी, बट यहाँ पे सॉल्व नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अगर लेट करेंगे तो आएगा नहीं है, तो इस कंडीशन में इसको तो हम आंशिक भीड़ में तोड़े, या तो क्या कर सकते हैं इसको पूरे बना के सॉल्व करें एम एन के फॉर्म पर, दोनों से ही कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आंशिक भीड़ करना ज़्यादा आसान है, फैक्टर बनना तीन एकम तीन, तो फैक्टर करना ज़्यादा आसान रहेगा, तो हम इसको आई मान के सॉल्व कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फाइव वन टू टू, और इसको मैं एक नाम नाम दे दिया आई। ठीक है, आई यहाँ क्या मानते हैं, इसको ऐसे दोबारा लिखना पड़ेगा हम लोग को, इसके अगले स्टेप में इसको मान सकते हैं कि हम यहाँ पे एक स्टेप सॉल्व कर दी, इसलिए यहाँ पर इसको हम आई नहीं लिख सकते। तो हम लोगों ने मान लिया कि माना जो आई पार्ट, इसको पूरे को आई मानते हैं, तो इससे क्या हमें टाइम बच जाता है, बार बार नहीं करना पड़ता। हम लोग क्या फोर एक्स प्लस थ्री इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री को हमने आई मान लिया। अब इसे करेंगे फैक्टर आंशिक भिन्न तोड़ने पर, जो आंशिक भिन्न में करेंगे तो क्या हमने फोर एक्स प्लस थ्री है, तो फोर एक्स प्लस थ्री ऊपर होगा, इसका फैक्टर साथ में देख रहे हैं तीन एक्म तीन, अगर इसको ना साइड में बता देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री है, इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तीन एक्म तीन बन जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस तीन, कॉमन लेंगे एक्स मिलेगा एक्स प्लस तीन, वन कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस तीन आ जाएगा, हमें एक्स प्लस तीन और एक्स प्लस वन इसका फैक्टर मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। समझाए कैसे करते हैं, तो यहाँ पर इसको ले सकते हैं एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, इसका ये ए अपॉन बनेगा एक्स प्लस थ्री, ये b बनेगा x प्लस वन, लासा लेंगे तो x प्लस थ्री और x प्लस वन, तो a के साथ आएगा x प्लस वन, b के साथ आएगा x प्लस थ्री, तो फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री और x प्लस वन, तो ये कट जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो फोर एक्स प्लस थ्री इजकल टू, ए का गुणा करेंगे तो आएगा ए एक्स प्लस ए, ए एक्स प्लस ए, यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा बी एक्स प्लस थ्री बी, इसके बाद एक्स कॉमन लेंगे यहाँ पर हम लोग, तो एक्स कॉमन है क्या मिलेगा ए प्लस बी, यहाँ क्या आएगा ए प्लस थ्री बी आ जाएगा। तुलना करेंगे तो एक्स क्या आ रहा है ए प्लस बी, एक्स को एक्स के साथ रखेंगे तो क्या आएगा फोर, यहाँ करेंगे तो ए प्लस थ्री बी इसकल टू थ्री, तो यहाँ देखो ए प्लस बराबर माइनस 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 कट जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का टू बी और चार में तीन का एक, तो बी का मान मिला माइनस का वन अपॉन टू मिल गया। ठीक है, बी की वैल्यू मिल गई, अब इस बी की वैल्यू को पुट क्या करते हैं, जहाँ पे समीकरण इजी दिख रहा है जैसे फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट में रखेंगे, तो चूंकि ए है तो ए को ए रखेंगे, बी का मान माइनस वन अपॉइंट टू है बराबर फोर, तो माइनस कर जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो ए का मान आएगा चार दूनी आठ एक नौ, तो नाइन अपॉन टू मिल जाएगा, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू पुट क्या करें, जान लो ये माना था यहीं पर, तो यहीं सॉल्व करेंगे, और ये सवाल चल रहा था, तो अब जैसे हम इसको मान रखते हैं इंटीग्रेशन साथ, तो ये किसके बराबर, आई के बराबर, क्योंकि ये देखा तो ध्यान से इसी का पार्ट होता है, तो हम वापस से आई के फॉर्म पर ब्रेक करने के साथ हम मान रख देंगे ए कितना था यहाँ पर नाइन अपॉन टू, और नीचे क्या था वन अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स प्लस बी का मान माइनस में, तो यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू और वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स हो गया, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा नाइन अपॉन टू, ये पता है लॉग का फॉर्मेट होता है, तो लॉग एक्स प्लस थ्री आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ वन अपॉन टू लॉग एक्स प्लस वन आ जाएगा। इन मानों को हम लोग वापस सब कहाँ रखें, जहाँ से हमने आई को मानने की कोशिश की थी, कहाँ से इस जगह आई माना, तो माना किसको, इसको था, ये वापस सारे मान यहाँ रखना पड़ेगा हम लोग को, तो फाइव एक्स ब्रैकेट वन टू टू लिमिट, जो लिमिट दी गई थी वो रखी यहाँ पे,
इसके बाद माइनस फाइव और ये पूरा आई बन चुका था। तो यहाँ पे आई का मान रख देंगे, आई क्या था 9/2 log x + 3 1/2 log x + 1 और इसकी जो लिमिट्स भी दी गई थी 1 to 2 वो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब यहाँ पे सारे जो मान है वो रख लेते हैं प्रॉपर करके लाइन से, तो ये भी हट चुका है, पूरा सवाल खत्म हो चुका है, बस मान रखना है। तो जहाँ x में क्या रखेंगे 2 - 1, पहले अपर लिमिट लिखते हैं फिर लोअर लिखते हैं -5। इसके हम मान रखेंगे तो पहले 2 रखेंगे, पूरे में ध्यान रखिएगा 2 पूरे में, और देखो 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लेते, तो बार बार के झंझट पा लेंगे। तो हमने भी 2 को बाहर निकाल लिया और अंदर बचा है 9, ये निकल नहीं सकता, ये कॉमन नहीं आ रहा है। फिर लॉग एक्स की जगह रखने वाले हम 2 to 2 + 3 - 1/2 log 2 + 1 माइनस। अब माइनस क्यों है कि हम नीचे लोअर लिमिट लगा रहे हैं, तो इसको वैक्यूम रखेंगे 9 यहाँ भी, तो 9 रहेगा log 1 + 3 - log 1 + 1 ऐसे रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और सॉल्व करेंगे, यहाँ तो सॉल्व 2 में 1 गया, 1 तो 5 मिल गया, यहाँ 5/2 बार चल रहा था, यहाँ 9 log 5 हो जाएगा -1/2 log, यहाँ 3 मिल जाएगा -9 log, यहाँ 4 - -+log 2 मिल जाएगा, पूरा हो गया। अब यहाँ कुछ घट जोड़ा तो घटा सकते हैं, अदरवाइज इसको सीधे सीधे सॉल्व कर सकते जितना हो पाएगा। तो 5 - 5/2 9 log 5, ये तो ऐसे 5 कोई और है नहीं। ठीक है, तो 9 log 5 ऐसे रखा हमने यहाँ पर। अब इस सवाल को जितना आप चाहो उतना कर सकते हो, कोई फिक्स नहीं। अब इस 1/2 चाहो ऊपर ले जाएंगे तो ये रूट बन जाएगा, इसको हम log√3 लिख सकते हैं। अब ये log 4 है, ये 9 है, तो इसको log 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 9 log 2 की पावर 2 + log 2 बन जाएगा यहाँ पर। 5 - 5/2 9 log 5 - log√3, अब ये 2 आ गया तो 18 बन जाएगा, log 2 + log 2 बन जाएगा। अब चाहे तो इसको इसे माइनस कर सकते हो, तो 5 - 2 9 log 5 - log√3, और ये माइनस करने कितना बने, -17 log 2, तो ऐसे कर सकते हो, तो कोई आंसर फिक्स नहीं कि आप कहाँ तक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि लिमिट a(1) (3x²+2a+1) dx 11 दिया तो एक का मान निकालना है। तो काफ़ी सिंपल सवाल है, सीधे सीधे इसका समाधान करेंगे तो 3 है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x³/3 + 2x करेंगे तो मिलेगा 2x² / 2 + 1 करेंगे तो x मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बराबर लिमिट क्या चल रही, 1 to a लगाएंगे और बराबर में 11 चल रहा है। तो पहले काम करना, जहाँ x है वहाँ सब जगह a रख दो, देखो 3 कट रहा है, यहाँ 2 कट गया, तो काफ़ी सिंपल सवाल हो गया। x³ पे जगह तो क्या रखें, a³ हो जाएगा + a² हो जाएगा + a हो जाएगा। अब इसके बाद 1 रखेंगे जहाँ, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के माइनस के फॉर्म पर रखेंगे, तो 1³ 1 होता है, 1² 1 होता है +1, तो जहाँ भी देखो x³ 1 आया, x² 1, सभी को 1 रख के बराबर 11 कर दिया। तो a³ + a² ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट तो हो नहीं सकता, तो a³ भी ऐसे रहेगा, a² भी, और a भी, यहाँ पे 1 + 1 3 हो जाएगा, 3 = 11। अब इसको इधर ले आएंगे तो बन जाएगा 11 × 3 = 14। अब ऐसे मान रखें ताकि मान 0 हो जाए, तो हमने यहाँ रखा a की जगह क्या रखा, 1 रख के देखा, क्या रखा 1, तो 1 रखें तो क्या मिल जाएगा, 1³ 1 ही होता है, मतलब पता है कि 1 से 0 नहीं होगा, 1 + 1 + 1 - 14, तो क्या 0 आएगा, नहीं, तो इस मान 0 नहीं मिला, यानी ये फैक्टर नहीं, ये रफली काम करना है आप लोग को बताना है। फिर a का मान 2 रख के देखेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, 2³ 8 हो जाएगा, 2³ 4 हो जाएगा, +2 - 14, तो 8 + 4 = 12, यानी 14 - 14, ये मान 0 मिल गया। दैट्स मीन्स कि यहाँ लिख देंगे अतः a - 2 ठीक है = 0, तो a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 2, ये हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ लिमिट देखिए 0 to 2 इंटीग्रेशन 6x + 3x² + 4dx, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें करेंगे हम लोग, यहाँ पे लगाएंगे m/n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है यहाँ पर, अगर n से बराबर ज्यादा होगा फॉर्मूला, ns = m d/dx of her + n था, तो अंश कितना है यहाँ पर 6x + 3 m d/dx of her, कितना x² + 4 + n करेंगे, तो 6x + 3 m, इसका ओपन करेंगे तो आएगा x² का 2x और 4 का 0, बिकॉज x नहीं वहाँ पर, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 3 आएगा यहाँ पर, कितना 2mx, 0 का मतलब ही नहीं है, प्लस n हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो 2m किसके बराबर है 6 के, तो m की वैल्यू यहाँ जाएगी 3, इसे कट करेंगे तो m का मान 3 मिल गया। फिर यहाँ से n किसके इक्वल है यहाँ पर 3, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या रही 3 आ जा रही है। तो m और n की हमें वैल्यू मालूम हो गई, जो पुट कहाँ करते हैं, इस कंडीशन पुट करते हैं जहाँ से हम इसको माना होता है यहाँ पर, तो इसका मान रखते हैं हम लोग, तो लिमिट 0 to 2 चलती रहेगी, जहाँ 6 + 3 हम लोग m का मान है कितना है 3, तो यहाँ पे आएगा 3, फिर 2x + 0 + n का मान भी 3 था, 3 रख देंगे, अपॉन x²
प्लस फोर पूरे में चलेगा। अब दोनों पार्ट्स को अलग अलग करेंगे तो तीन दूनी छः बन जाएगी, या फिर चार दून तीन को बाहर रहने देते हैं तो जीरो टू 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 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो गया। फिर जीरो का मतलब ही नहीं था, फिर थ्री के पास जाएंगे, थ्री कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, लिमिट क्या है जीरो टू टू रख दिए यहाँ पर। अब इसको लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर को, तो यहाँ लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस फोर को तो आ जाएगा टी के बराबर। इसे कितना होता है टू एक्स इज जीरो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, हमें चाहिए इक्वल टू डी एक्स, तो टू एक्स डी एक्स साथ में रखेंगे बराबर डी टी, ये पार्ट यहाँ से हट जाएगा तो थ्री कंपेयर। अब इसको पुट करते हैं तो जीरो टू टू यहाँ आ जाएगा कितना डी टी, ये बन गया पूरा टी, और इधर सॉल्व करेंगे तो थ्री था, और ये एक फॉर्मूला होता है किसका वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा लॉग, ये हो जाएगा लॉग टी, लिमिट थी हमें जीरो टू टू दी गई थी वो रख लेंगे। तीन ये फॉर्मूला होता है किसका टेन का, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अब यहाँ मान रखेंगे लेकिन टी का पहले वापस हटाना पड़ेगा, टी हमने माना था यहाँ पर एक्स पावर फोर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और यहाँ जीरो टू टू चल रहा था, यहाँ आ जाएगा तीन बटे दो एक्स रखें, यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स टू अपॉन टू माइनस टेन इनवर्स जीरो अपॉन टू। तो यहाँ पे इसके मान बाकी है तो पहले एक बार ये मान रखेंगे, तो लॉग एक्स का रखेंगे टू तो आएगा टू स्क्वायर प्लस फोर माइनस लॉग जीरो स्क्वायर प्लस फोर प्लस थ्री अपॉन टू, ये टू टू कट जाएगा वन मिल जाएगा, तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा वन, ये हो जाएगा पूरा ज़ीरो। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखो दो का स्क्वायर चार चार आठ, या बन जा रहा है थ्री लॉग एट माइनस लॉग, अब जीरो से मतलब नहीं, यहाँ पे आ जाएगा लॉग फोर आ जाएगा प्लस थ्री अपॉन टू टेन इनवर्स वन, वन किसकी वैल्यू होती है फोर्टी फाइव की, तो फोर्टी फाइव को पता चुका कई बार पाई अपॉन फोर ले सकते हो तो बन जाएगा यहाँ पाई अपॉन फोर आ जाएगा, तो जीरो मतलब जीरो ही होता है। यहाँ आठ है तो इसको लिखते चार दोनों आठ लिख सकते हो, थोड़ी स्टेप छोटी हो जाएगी, लॉग चार दोनों आठ ऐसे लिख सकते हैं माइनस लॉग फोर प्लस थ्री अपॉन टू, यहाँ गुणा करेंगे तो थ्री पाई अपॉन चार दोनों आठ बन जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो थ्री लॉग फोर प्लस लॉग टू माइनस लॉग फोर, यहाँ पे थ्री पाई बाई एट तो फोर फोर कट जाएगा, थ्री लॉग टू प्लस थ्री पाई अपॉन एट, ये आंसर आ सकता है, या थ्री कॉमन ले लोगे तो लॉग टू प्लस पाई अपॉन एट इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से कर सकते थे, एम अपॉन एन से क्या था, चाहते इसको हम आंसर भी तोड़ कर सकते थे या चाहते तो इसको हम सिर्फ टी मान के भी कर सकते थे, तो इस वजह से आंसर वेरिएशन आ सकता है। मैंने केवल बताया कि हमेशा आंसर सही हो, मैच के ऐसा नहीं होता, थोड़ा अप डाउन आ सकता है। तो ये वीडियो समाप्त होता है, इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझाया, काफ़ी कुछ अच्छा लगा, काफ़ी ब्रेक साइज सेवन यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मेरे रिविजन था बैक का सब कुछ इस वीडियो में पूरा हो गया, जिससे आपको समझ में आया होगा कि हम कितनी चीज़ों को सीखे हैं। तो इस एक से वीडियो को काफ़ी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके फ्री होता है कुछ चार्ज, लेकिन इससे हमें काफ़ी फायदा मिलता है कि हम एक टीम दोस्त बनते जा रहे हैं, 70,000 प्लस हम लोग हो गए हैं और जल्दी हम 70,000 में चाहते हैं कि हम लोग इसे पहुँचें। तो इस वीडियो अपना प्यार ऐसे बनाए रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।